दोस्तों, बबून दुनिया के सबसे आक्रामक और गर्म स्वभाव वाले जीव हैं, और अगर इन पर कोई मुसीबत आ जाए तो ये एकजुट होकर अपने दुश्मनों से लड़ने में सक्षम हैं। इसके अलावा इनकी असीमित भूख इन्हें एक खतरनाक शिकारी बनाती है, जिसके कारण ये शिकार की किसी भी हद को पार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जंगली बबून से मिलाने वाला हूँ जो अपने शिकार के बच्चे तक को छीनने की हिम्मत रखते हैं और अपने खतरनाक शिकार से पूरे अफ्रीका में आतंक मचाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बबून प्राइमेट्स का एक जीन्स है जिसमें आमतौर पर 5 प्रजातियां पाई जाती है। इन 5 प्रजातियों के वजन और आकार में काफी अंतर होता है, लेकिन इसके बावजूद ये दिखने में काफी समान होते हैं। इनका शरीर घने बालों से ढका होता है और इनके पास एक लंबी पूंछ और एक लंबा मुंह है जिसमें एक नुकीला शक्तिशाली जबड़ा छुपा हुआ है। आपको बता दूं कि इनके खतरनाक दांत 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये बबून ज्यादातर अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में पाए जाते हैं और इनके एक झुंड में लगभग 400 बबून मौजूद होते हैं। इन बंदरों का कबीला बहुत बड़ा होता है, जिसका मुखिया एक नर बबून होता है। इसके अलावा इस बड़े से कबीले में दूसरे नर भी मौजूद होते हैं जो इस कबीले के नेता होते हैं, और आने वाले समय में ये एक के बाद एक कबीले के मुखिया बनते जाते हैं। इन नेताओं का काम कबीले में शांति बनाए रखना होता है, और अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो ये उसे सजा देने का भी काम करते हैं। और जब कोई दूसरा प्रतिद्वंदी इनके कबीले पर हमला करता है तो ये नेता झुंड में मौजूद सभी बच्चों को वहां से दूर भेज देते हैं, क्योंकि ये प्रतिद्वंदी उनके बच्चों को ढाल बनाकर कबीले की बागडोर हथियाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस तरह की तरकीबें इनकी चालाकी और बुद्धि को दर्शाती है, जिसके बाद इनमें घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। अगर बात करें इनके भोजन की तो ये पत्तियां, जड़े, अंकुर और अन्य पौधों को खा लेते हैं, लेकिन इन्हें शाकाहारी मानना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये बंदर और ये हिरण साथ साथ भटकते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों के आहार में घास पत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा ये आपसी सहयोगी भी होते हैं, क्योंकि किसी भी खतरे के समय ये एक दूसरे को खतरे का इशारा दे देते हैं, जिसके कारण कई मौकों पर इनकी जान बच जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जगह हमेशा घास से भरी नहीं होती, जिसके कारण ये भोजन की कमी से हताश होकर मांस खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हिरण के बच्चे शुरुआती दौर पर कमजोर होते हैं तो ये बबून एक खतरनाक शिकारी में बदल जाते हैं, जिसके बाद ही ये बबून बिना समय गवाए अपने शिकार के पास बड़ी धीमी गति से बढ़ते जाते हैं, और कुछ देर बाद ये चलना दौड़ने में बदल जाता है। लेकिन हिरण के बच्चे बहुत ही तेज और फुर्तीले होते हैं और किसी भी समय अपनी दिशा को बदलकर अपने शिकारी को धोखा दे सकते हैं, जिसके कारण इन शिकारियों को इन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन कई बार ये बच्चे शिकारियों के हाथ लग जाते हैं, जिसके बाद ये अपनी माँ के पास कभी नहीं लौट पाते। गर्मियों के मौसम में पूर्वी अफ्रीका की घाटी हजारों लाखों हंसों का आश्रय स्थल बन जाता है, जिसके बाद ये बबून इनके झुंड में हमला करने के लिए शांति से इंतजार कर रहे होते हैं और बड़े आराम से इन पक्षियों को देखते रहते हैं। और जैसे ही ये अपने शिकार को चुन लेते हैं, उसके बाद ये उन पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, ये बबून भी बहुत ही तेज और फुर्तीले होते हैं, और इन्हें भी अपनी रफ्तार को पकड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। ये खतरनाक शिकारी एक खतरनाक शोर के साथ इस तालाब में उतरता है, जिसके बाद तालाब में मौजूद सभी पक्षियों के बीच भगदड़ मच जाती है। इस तरह की उथल पुथल में इस बबून के पास अपने चुने हुए शिकार को पकड़ने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। यहाँ तक कि अगर इसने उड़ने वाले पक्षी को चुना है तो जाहिर सी बात है कि पक्षी खतरे को भांप कर समय रहते ही उस जगह को छोड़कर हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन अगर सामने वाला शिकारी बबून हो तो हवा में होने के बावजूद भी वो सुरक्षित नहीं होते। वो इसलिए कि ये बबून अपनी तेज रफ्तार से ऊंची छलांग लगाकर हवा में मौजूद पक्षी को
जमीन पर लाने की शक्ति रखता है। सूखे के दौरान पानी की आपूर्ति प्रत्येक जानवरों को दलदली इलाकों की ओर खींच लाती है और दूसरे जानवरों की तरह इन बंदरों को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए एक सावधानी वाले सही मौके की तलाश करनी पड़ती है, क्योंकि ये सभी जानवर जानते हैं कि यहाँ पानी पीने के लिए आना बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ से वापस जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये तालाब मगरमच्छों का अड्डा होता है और जरा सी चूक इन्हें मौत के मुंह में ले जाती है। ये मगरमच्छ स्थानीय जीवों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं और उन्हीं जीवों में ये बबून भी आते हैं, लेकिन ये बबून बहुत ही बहादुर होते हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए ये तैयार होते हैं और मौका पड़ने पर ये मगरमच्छ जैसे शिकारी से भी भिड़ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद दुर्भाग्य से ये अपने बच्चे की जान नहीं बचा पाते। गर्मियों के मौसम में ये बबून कई गुना ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि उस समय पानी के सारे स्रोत खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये अपनी पानी की आपूर्ति के लिए भी आपस में भिड़ जाते हैं। और असली लड़ाई तब शुरू होती है जब दूसरे जानवर पानी की तलाश में तालाब की ओर बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद ये बबून अपनी पानी की कमी को दूर करने के लिए हिरणों का शिकार करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक झुंड में कई नेता होते हैं, और जैसे ही इन नेताओं को पता चलता है कि ये शिकार किसी एक को ही मिल सकता है, तो इनमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है जिसका फायदा कोई तीसरा प्राणी उठाता है। आपको बता दूं कि ये जानवर पानी के बिना बर्बाद हो जाते हैं और स्रोतों की तलाश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो भी तब जब सैकड़ों मगरमच्छ इस मोटी मिट्टी के नीचे छिपे होते हैं। बस एक गलत कदम और इनकी जिंदगी मौत के मुंह में पहुंच जाती है। हालांकि ये मगरमच्छ गर्मियों के दिनों में शिकार करने में असफल होते हैं, क्योंकि दलदली इलाकों में शिकार करना थोड़ा मुश्किल होता है और मगरमच्छ के शिकार करने की तकनीक इस पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है, जिसके कारण ये बंदर अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाता है। ये बबून दूसरे शिकारियों से काफी सुरक्षित होते हैं, क्योंकि ये अपना ज्यादातर समय जमीन पर बिताते हैं। इसके अलावा इनके झुंडों पर हमला करना भी कोई आसान बात नहीं होती, क्योंकि दर्जनों आंखें पूरे इलाके पर लगातार नजर बनाए रखते हैं, और जैसे ही इन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो ये पूरा झुंड पेड़ों पर चढ़ जाता है। और अगर ये बबून अपने आप को अपने दुश्मन से ज्यादा ताकतवर समझते हैं तो ये अपने दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ते, जिसके कारण एक कुशल शिकारी को भी भागने पर मजबूर होना पड़ता है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए झुंड में मौजूद युवा बबून को लड़ाई के लिए आगे आना पड़ता है, जिसके पीछे झुंड के सारे सदस्य होते हैं और इस लड़ाई में घुसबैठियों को भगाने में मदद करते हैं। लेकिन एक अकेला बबून भी इन खतरनाक शिकारियों को भगाने की हिम्मत रखता है। इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि ये बबून इस शेरनी को भगाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शेरनी ने इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी, जिसके कारण इस बबून के हिम्मत भरे साहस को देखकर उसे पीछे हटना पड़ता है। लेकिन फिर भी इन खतरनाक शिकारियों ने इन बबून के जीवन में काफी गंभीर खतरा पैदा किया है, जो अंधेरे की शुरुआत के साथ कई गुना बढ़ जाता है, और इसीलिए इनका शिकार न बनने के लिए ये चालाक बबून सबसे दुर्गम स्थानों की शरण लेते हैं, भले ही उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ी चढ़ाई क्यों ना चढ़नी पड़े। बुरा हाल करने वाली गर्मी, सूखा और शिकारियों की अधिकता होने के बावजूद ये बबून बंदर अपनी बुद्धि, उच्च जीवन प्रत्याशा और सुरक्षा के साथ अफ्रीका के सवाना में बड़ी मजबूती से अपने पैर जमाने में कामयाब हो चुके हैं, और साथ ही अपनी सभी प्रजातियों को बड़ी आसानी से संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।